सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक। ये हमारे बैंजो पार्ट्स का सीरीज का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो अगर आपने देखा नहीं होगा तो प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हो, या फिर मैं आपको यहाँ पे लिंक दे दूंगा, वहाँ पे भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आज का ये वीडियो हमारा रहने वाला है रीड पट्टी के ऊपर। तो रीड पट्टी बैंजो में किस तरह से लगाई जाती है, किस तरह से वो रीड पट्टी बनाई जाती है, तो पूरा डिटेल के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना। तो गाइस आज हम रीड पट्टी बनाने वाले हैं। तो ये रीड पट्टी आप देख सकते हो, ये साइड में थोड़ा चौड़ा रखा हुआ है और आगे जैसे हम जाते हैं तो वो पतला होते जाता है। तो इस तरह से आपको रीड पट्टी बना लेनी है। इसका मेजरमेंट अभी आगे वीडियो में देऊंगा। तो अभी ये सब मेजरमेंट्स है, इसके ऊपर आपको करवट से ऐसा खाँचा ले लेना है जिसकी मदद से हम यहाँ पर हमारे जो रीड पट्टी के सुर पर्दे होते हैं वो लगा सकें। तो अभी हम सारे कटिंग कर लेते हैं। तो गाइस अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे रीड पट्टी के जो सुर पर्दे हैं उनका कटिंग हमने यहाँ पे कर लिया है करवत की मदद से। तो अभी इन सारे कटिंग्स में हम हमारे जो सुर पर्दे होते हैं वो फिक्स कर लेंगे। तो अभी इसका फिटिंग कैसे होता है वो अभी आपको हम बताएंगे। इसका पूरा लेवलिंग होना चाहिए, तो वो किस तरह से होना चाहिए वो अभी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा एक सुर पर्दा है, तो इसे हम अभी पहले वाले रीड पट्टी में अभी ठोक देंगे। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये कितने हद तक अंदर ठोका है। ये वाली जो रीड पट्टी है नीचे वाली, मतलब जिसमें स्वर ज़्यादा लंबे लंबे होते हैं वो वाली, और जो ऊपर वाली रीड पट्टी है इसका मतलब जो स्वर नज़दीक नज़दीक होते हैं वो वाली। तो ऊपर जब भी हम सुर पर्दे ठोकेंगे तो उसको हमें थोड़े ऊपर ही रखना है, फिर हम बाद में फाइलिंग करके ट्यून कर लेंगे। और जो नीचे वाले सुर पर्दे होते हैं उनको ज़्यादा ठोकना पड़ता है ताकि वो आगे जाके हमें नीचे वाले जो सुर पर्दे होते हैं उनके सुर में तकलीफ ना दे। तो अभी हम ये सारे सुर पर्दे लगा लेते हैं, फिर आपको फाइलिंग किस तरह से किया जाता है वो भी बताएंगे। गाइस अभी हमने सारे रीड पट्टी के सुर पर्दे हमने फिट कर लिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अभी आगे हम एक काम करेंगे कि इसको सुर मंडल के लिए हमें यहाँ पे गैप करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सुर मंडल कैसे लगाया जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्क तरह से किया गया है। तो यही मार्किंग पे आपको एक्सो ब्लेड की मदद से कटिंग कर लेने हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक देखा, मैं यहाँ पे आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। गाइस अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से ये कटिंग किया गया है सुरमंडल के तार पास होने के लिए। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है, पे तीन चार होल मार लेंगे जिसकी मदद से हम हमारे बैंजो पे ये रीड पट्टी फिट कर सके। तो गाइज अभी यहाँ पे हमने चार स्क्रू के मदद से ये रीड पट्टी को पूरा फिट कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हो। गाइज अभी मैंने ये रीड पट्टी को ट्यून भी कर दिया है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो अगर आपको ये ट्यूनिंग किस तरह से की जाती है वो आपको जानना है, तो यहाँ पे मैं आपको और एक लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप पूरा डिटेल में चेकआउट कर सकते हो कि किस तरह से वो ट्यूनिंग बैंजो को करते हैं। बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो है और देखने को ना भूलिएगा। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जो मेन तार है बैंजो का, तो वो डी पे ट्यून कर दिया है। तो अभी जैसे कि हमें पता है कि ये दो बटन के नीचे वाला जो बटन रहता है वो सा रहता है, तो एक दो तीन चार पाँच, तो एक दो तीन चार पांचवें बटन पे हमारा जो बैंजो है जी बज रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो जी बज रहा है। उसी तरह से अभी आगे वाला जो सप्तक का सा है वो भी कैलकुलेट करके जिस हिसाब से मैंने देखा है तो यहाँ पे आ रहा है, तो हमारे बैंजो के ट्यूनिंग के हिसाब से ये भी जी पे बजना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो वो भी जी पे ही बज रहा है, तो ये कंफर्म होता है कि हमारा जो रीड पट्टी है ट्यूनिंग वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से हुआ है। इसी तरह से आपको सारा ट्यूनिंग कर लेना है। तो ये सीरीज में हम ऐसे ही बैंजो के अलग अलग पार्ट्स को लेकर वीडियो बनाते रहेंगे। आपको कौन से पार्ट के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना, उस पार्ट पे हम वीडियो बनाएंगे ये सीरीज में। तो अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे ऐसे ही कुछ बैंजो रिलेटेड वीडियो लेकर।